हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरहान है और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कनाडा आकर कितना पैसा कमा सकते हैं और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आप कनाडा में कितना पैसा कमाते हो या जब हम वहाँ आएंगे तो हम कितना पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और आज इस वीडियो में मैं वो सारे फैक्टर्स कवर करूँगा कि आप यहाँ कितना पैसा कमा सकते हैं और जो मिनिमम है वो मिनिमम वेजेस कितनी है यहाँ पर। मैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। सो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूँ। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को कि आप अगर कनाडा आएंगे तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप जब कनाडा मूव होते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो दोस्तों, जो मेजर फैक्टर्स हैं वो है वहाँ जिस प्रोविंस में आप मूव होते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, वहाँ पर मिनिमम वेजेस कितनी हैं और आप एक हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं। इसके अलावा जो दो मेजर फैक्टर हैं जो आपकी इनकम को अफेक्ट करते हैं वो है टैक्स ब्रैकेट, कि आपकी इनकम किस टैक्स ब्रैकेट में आती है और आपकी फैमिली का साइज़ कितना है। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और जब आपकी शादी हो जाती है और आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो आप अलग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स आपकी अर्निंग को अफेक्ट करते हैं और देखते हैं आगे कि आप अलग अलग प्रोविंस में कितना पैसा कमा सकते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे सामने चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं हर प्रोविंस में आपको, अगर आप वहाँ काम करेंगे तो आपको मिनिमम जो है वो कितना पे करेंगे एम्प्लॉयर पर आवर। सो ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोविंस में। अल्बर्टा में सबसे ज़्यादा मिलते हैं $15, ऑन्टेरियो में $14 मिलते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर पे ब्रिटिश कोलंबिया आता है जहाँ आपको $13.85 मिलते हैं। सो ये वेरी करता है कि आप किस प्रोविंस में मूव हो रहे हैं। सो आप अपनी अर्निंग्स को इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं अपनी वीडियो में एक लिंक भी पोस्ट करूंगा जिसमें आप अपने आवरली रेट के हिसाब से अपनी अर्निंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप देखेंगे, मैंने ये एक एग्जांपल पेस्ट किया है यहाँ पे, इसमें मैंने $15 पर आवर का एवरेज लिया है कि आप ऑन्टेरियो मूव करते हैं और आप 40 घंटे काम करते हैं और आप $15 पर आवर के हिसाब से काम करते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो यहाँ पे होता है कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको 7.5 घंटे का पे करते हैं, उसमें ऐसे आधा घंटा आपका ब्रेक होता है जो अनपेड होता है। सो बेसिकली अगर आप 40 घंटे काम करते हैं तो आपको सिर्फ 37.5 आवर्स का ही पे मिलता है। कुछ एम्प्लॉयर्स आपको ब्रेक का भी पे करते हैं और कुछ नहीं पे करते हैं। सो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। सो ये कैलकुलेशन मैंने उस बेसिस पे ली है कि आपका ब्रेक अनपेड होगा और आप एक वीक में अगर 40 घंटे काम करते हैं सो आपको जो वीकली आपको सारे टैक्स कटने के बाद पेमेंट मिलेगा वो आपका होगा 465, और अगर आप मंथली देखेंगे तो ये आपका होगा तकरीबन $2,000, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1,00,000 के आसपास बैठता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये सिर्फ एक मैंने मिनिमम वेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन किया है कि $14 और $15। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको $14 या $15 की ही जॉब मिलती है, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। आप $20, $25, $50, $80 भी कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप को क्या आता है और आप किस प्रोफेशन में जॉब करते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट मूव होते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं एक वीक में लीगली, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हैं तो वो इलीगल माना जाता है और यहाँ की गवर्नमेंट आपको डिपोर्ट भी कर सकती है, वो आपको वापस आपकी कंट्री भेज सकते हैं। सो जो एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जब आपका ऑफिशियल ब्रेक होता है उस ब्रेक के ड्यूरेशन में आप 40 घंटे या उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, तब ये लीगल नहीं होता है। बट अगर आपका कॉलेज स्टार्ट है और आप एनरोल्ड हैं सेमेस्टर में सो उस टाइम पर आप सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप एज ए स्टूडेंट लिमिटेड जॉब्स ही कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है आपको अपने कॉलेज के हिसाब से स्केड्यूल बिठाना होता है। सो मेनली जो ऑफिस जॉब्स होती हैं वहाँ पे लोगों को फुल टाइम चाहिए होता है। सो जब आप एज ए स्टूडेंट आते हैं, सो आप अपना ये माइंड सेट करके आएँ कि आप स्टार्टिंग में आपको फैक्ट्रीज में या एज ए लेबर क्लास में जॉब करनी पड़ेगी। और अगर आप लकी होते हैं सो आपको कुछ जॉब्स कैश में भी मिल जाती हैं, हर किसी को नहीं मिल पाती हैं। सो अगर आपको कैश जॉब्स मिल जाती हैं सो आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं, बट जो है उसमें रिस्क रहता है, और अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको ये डिपोर्ट कर सकते हैं। और 20 घंटे कहते हैं, और जो मैक्सिमम है अपर लिमिट, वो आप 24 घंटे तक काम कर सकते हैं वो एज ए स्टूडेंट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी एज ए 24 घंटे तक किया हुआ है काम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आप ये मान के चलें कि आप 20 से 24 घंटे का ही काम कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है अर्निंग ऑन वर्क परमिट और पीआर। सो अगर आप वर्क परमिट पर आते हैं या जब आपको स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं और आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। आप 40 घंटे, 60 घंटे, 80 घंटे, जितना आप काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। बट जब आप वर्क परमिट पर होते हैं तो आपके ऊपर एक कंडीशन होती है कि आप किसी भी सेक्स रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, आप उस तरह के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी काम कर सकते हैं, और अगर आपका वर्क परमिट क्लोज वर्क परमिट है तो आप सिर्फ उस एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर सकते हैं। अगर आपके वर्क परमिट पर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन है, सो आपको वो कंडीशंस मीट करनी होती हैं, और आप सिर्फ उन कंडीशंस के अंडर जो एम्प्लॉयर्स आते हैं आप सिर्फ उन्हीं के लिए जॉब कर सकते हैं। जब आप पीआर पर आते हैं तब आपके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, और आप हर तरह के काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो दोस्तों ये मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।